मेरी माटी मेरी आन है तू। मुख्तारा किधर है? वो तू कौन है? वो असल बंदा किधर है? यहाँ से पक्की सड़क के जरिए हम झोकसाल जाएंगे रमजान, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। सिपाही भी गाड़ी लेकर पहुंचते होंगे। झोकसाल की तारीख में पहली बार किसी कैदी की रिमांड ली गई है सर, और इस तरह दुश्मनों से छुपा कर उसको वापस थाने पहुंचाया गया है। वो लोग तो अपना सर पीट रहे होंगे। सर लानत है तुम सबकी शक्लों पर, और डुब मरो शर्म से। वो पुलिस वाला हम सबको चूना लगाकर न जाने किस रस्ते से ले गया मुख्तारे को। किधर है तुम लोगों के मुखबर, वो किधर चले गए? जमीन खा गई, आसमान निकल गई। सही है, एएसपी बहुत शातिर निकला। माफी चाहता हूं, लेकिन कसूर हमारा ही है सही। हमने इसको ना आम सा 2+2=4 करने वाला अफसर समझ लिया था। मुझे 2×4 का पाड़ा मत सिखा धनी बख्श। बस इतना बता कि वो पुलिस वाला किस तरह बचकर निकला है। सही, कैसे बच के निकला होगा? जहर है, इलाके के सिपाही उसके साथ वफादार हुए भी, और ना सहरा के रास्तों का समझना किसी नए बंदे की बस की बात ही नहीं है। ये कोई नफरी का बंदा है जिसने उसको नया रास्ता दिखाया। और सही, मेरी इतला के मुताबिक शोरकोट का जो थानेदार है ना रमजान, वो भी एएसपी का चहिता बना हुआ है। देख लूंगा, सबको देख लूंगा। इन सब पुलिस वालों की कब्रें मैंने सहरा में नहीं बनाई ना, तो मेरा नाम ही मिरल नहीं। लेकिन सही, अब करना क्या है? क्योंकि मुख्तारे को तो उन्होंने हवालात में डाल दिया होगा अदालत से रिमांड लेकर, और अब वो पूरा जोर लगाएंगे कि उससे राज उगलवा लें सारे। जानदाद से कहो मुख्तारे को निकालने को फौरन बंदोबस्त करें। सही, और मुख्तारे से कहो अपनी जबान को ताला लगा कर रखे इन पुलिस वालों के सामने। सही, इस जानदाद ने हमारा बहुत माल खाया है, अब हलाल करने का वक्त आ गया है। और इस बार अगर जानदाद सही तरीके से काम ना कर सका तो जाओ। इतनी कमजोरी क्यों हो रही है? किसी लेडी डॉक्टर को बुलाओ बड़े अस्पताल से। मेरा दिल डूबा जा रहा है। निक्की सैन, ऐसी हालत में अक्सर कमजोरी हो जाती है। क्या मतलब, कैसी हालत में? वो जनिए भी आई थी किसी औरत को लेके, कोई देसी दवा दारू करती है, पता के नहीं गई कुछ भी। अच्छा, पर मुझे सब बता गई है जाते जाते।
वो कह रही थी हवेली में खुशी आने वाली है, नया वारिस आने वाला है हवेली में। ये कह रही थी वो औरत। मैं समझी के अगर ये बात सच है तो सोने में तोल दूंगा तुझे, मगर ये बात ज़ेनिया ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई कमबख्त? खबर तो पक्की है बड़े साईं, पर अस्पताल में ना बड़ी डॉक्टरानी को भी दिखा दें निकी सैन को। धनी बख्श लेकर आएगा सुबह डॉक्टर। वैसे तो मैं तुमसे शदीद नाराज था, लेकिन तुमने इस हवेली को इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैंने तुम्हारे सारे जुर्म माफ कर दिए। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, हाँ लेकिन सजा हमेशा मुझे ही भुगतनी है, ये मैं जान गई हूँ। दुआ करो कि तुम्हें पीरल की कोई सजा कभी झेलनी ना पड़े। और हाँ एक और बात, ये बच्चा पीरल की अमानत है तुम्हारे पास, इसे कभी कुछ होना नहीं चाहिए और इसका बहुत ख्याल रखना होगा तुम्हें। सख्ती से मना किया है, तू सोएगा नहीं, क्योंकि जो सोते हैं वो खोते हैं। खोता समझता है? खोता खोते मुख्तारे है तू बड़ा सख्त जान, ढीठ हड्डी है, लेकिन पुलिस को अच्छी तरह आता है ढीठों को राम करना। समझ नहीं आती ना, एक गल बोला है बार बार उधर ही रहे ना, कुछ सोता नहीं रखी हुई मैंने तेरी यहाँ। वो पुलिस वाले की घर की जिंदगी नहीं होती, और वो भी झोंक से हाल का पुलिस वाला, दो चार हफ्ते रहे और वापस जा। क्यों चली जाऊं वापस? ये जो बच्चा है ना तुम्हारा, ये अपने बाप के बिना नहीं रह सकता, हजार सवाल करता है, पता नहीं क्या सोचता रहता है, मुझसे नहीं संभलता अब ये। और जाहिल औरत, तुझे एक बार समझ नहीं आती बात, खुद समझा। ओए आ गया शरारती, बैठ इधर। अब्बा मैं भी पुलिस वाला बन के इधर साथ जाऊंगा, मैं भी डाकू पकड़ूंगा। एक बार बड़ा हो जाना फिर पढ़ लिख के बन जाना पुलिस वाला। कल से जिद कर रहा है कि मुझे स्कूल में डलवा दो, मैं भी बड़ा होकर सिपाही बनूंगा। अब्बा मैं भी डाकू पकड़ूंगा, लेकिन अब्बा वो गली वाला मुन्ना है ना, वो कह रहा था कि तेरा अब्बा तो चोरों को पकड़ता ही नहीं है, वो तो। चल चुप कर, बड़ी बड़ी बातें ना किया कर, चल मैंने तेरे लिए मीठा पराठा बनाया है।
हाँ असगर, जुबान खोली कि नहीं इसने? बहुत सच जान है सर, वो इतनी आसानी से जुबान नहीं खोलेगा। सख जान ना होता तो मीरल का इतना खास और मुंह चढ़ा कारिंदा ना होता, लेकिन हर इंसान की एक हद होती है असगर, टूटने की हद। हमें इसको उस हद तक पहुंचाना है, लेकिन याद रहे बीच में वक्फा देते रहना, क्योंकि इसको अपने पैरों पर ही लेकर जाना है अदालत। जो हुक्म जनाब, अभी तो सिर्फ 48 घंटे हुए हैं, हमारे पास रिमांड के 12 दिन और बाकी है, तब तक तोड़ते जोड़ते रहेंगे इसे। लेकिन ये 12 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। मीरल एक दफ़ा अपने गुंडों से हमारे काफिले पर हमला करवा चुका है असगर, और उसके नाकाम होने की वजह से वो काफ़ी तैश में भी होगा। मुझे लगता है वो दूसरा हमला भी कर सकता है। जनाब थाने की सिक्योरिटी डबल कर दी है, सारे सिपाही 24 घंटे चौकन्ना खड़े। मीरल अगर इस बार आया भी तो उसे मुख्तलिफ हालात का सामना करना होगा। गुड, बस मैं ये चाहता हूँ असगर के रिमांड खत्म होने तक हम मुख्तारे से सब कुछ उगलवा लें, ताकि असली मुजरिमों तक पहुंचा जा सके। मुझे लगता है कि ये शौकत, असलम और फिर इकबाल, ये सब एक ही जंजीर की कड़ी है। निकी सैन, देखे तो सही आपसे मिलने कौन आया है। कैसी, क्या हाल बना रखा है? ये तो मेरी वो सहेली नहीं जिसकी मुस्कुराहट पर स्कूल की सारी लड़कियां मरा करती थी। वो नूरी भी अपनी मुस्कुराहट के साथ ही मर गई। जैनी तू जा, दरवाजा बंद कर। ऐसा क्यों बोल रही हो? सब ठीक है ना? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? मजबूरी थी, मैं भी नहीं चाहती थी तू कभी इस हवेली में कदम रखे इन जागीरदारों की, मगर वो बाप बेटा आज गए हैं शहर किसी मुकदमे के चक्कर में, मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। बहुत अच्छा किया, मैं भी तड़प रही थी तुझसे मिलने के लिए। साहब अंदर आ सकता हूँ? आओ कुंदर मजी, आओ। दिल लग गया तुम्हारा इधर? साहब आप जैसे अफसर के होते हुए किस सिपाही का दिल नहीं लगेगा काम में? ये गफ्फार है आज इसका निकाह है, आपका मुंह मीठा कराना चाहता है। तो बड़ी खुशी की बात है गफ्फार, बहुत मुबारक हो तुम्हें। थाने में क्या कर रहे हो? घर जाके दूल्हा शुल्हा बनने की तैयारी करो। जनाब मैं तो 3 दिन से छुट्टी पर ही हूँ, आज मेरा निकाह है, इसलिए जनाब से एक दरख्वास्त करने आया था। हाँ जरूर बोलो, कोई एडवांस एडवांस चाहिए तो वो इसको शरीफ के पास ले जाओ, सारा इंतजाम हो जाएगा। साहब ये तो शर्माता ही रहेगा, ये आपको अपने निकाह में शिरकत की दावत देने के लिए आया था। ना, बाप के आने से मेरी बड़ी इज्जत अफजाई होगी, मैंने सारी नफरी को भी दावत दी है। इतने प्यार से बुलाने आए हो, जरूर आएंगे, तुम्हारी खुशी में शरीक होगी। ये ना भाई, मुंह भी मीठा कर लेते हैं, ये बाकी बांट दो। ठीक है, मुबारक हो। शुक्रिया। हाय वो इकबाल भी गायब हो गया है, ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ नहीं पता सस्सी, मैं बहुत परेशान हूँ। बस एक इकबाल ही था जो
शौकत का पता दे सकता था। वो भी तू परेशान ना हो, अरसलान साहब पे बहुत भरोसा है मुझे। तू देखना, वो जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। सुन, हमारी सहेली है ना फरीदा, आज निकाह है उसका सिपाही गफार के साथ। सुना है अरसलान साहब भी आएंगे। मैं कोशिश करूंगी उनसे बात करूं। तू बस परेशान ना हो, ऐसे हाल में परेशान होना अच्छा नहीं होता। मैं इस बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती। सुना था औरतें ये खबर सुनकर मुकम्मल हो जाती हैं। मैं तो और अधूरी हो गई हूं ससी। तू क्यों सोचती है ऐसा? इस सब में इस मासूम रूह का क्या कसूर? इसीलिए तो मैं इसको पैदा नहीं करना चाहती। जबर और जुल्म के माहौल में क्या परवरिश होगी, क्या तरबियत पाएगा? बेटा हुआ तो पीरल अपनी तरह एक जालिम तरिंदा बना देगा। तेज अगर बेटी हो गई तो एक और कैदी। सलाम है, एक तो तू समझता नहीं है। ओ मुख्तारा, यहां पुलिस रिमांड में बंद पड़ा है। मामे के वलीमे की दावत खाने नहीं आया, कैसे मुलाकात करा दूं मैं तेरी? तो थानेदार जी, मैं तो मीरल साईं के कहने पर यहां आया हूं, और उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में मुलाकात हो जाए, वरना वरना। हाँ हाँ, मीरल साईं समझ धक्का ही नहीं कि मैं मुलाकात कराई। सरसों जमाने में लगा होता है तेली पे, करता हूं कुछ। एसपी साहब से पूछना पड़ेगा, पता नहीं मूड कैसा होगा साहब का। चल जान दाद, लगता है तेरा खेती बाड़ी दोबारा होनी है। करता हूं। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? जी सलामा कहते हैं मुझे। मुख्तारा मेरे चाचे का लड़का है। तुम्हें पता ना मुख्तारे की मुलाकात बंद है? जी पता है। तो फिर? असल में उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। मैं थोड़ी देर हाल अहवाल करके यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तुम लाए उसे जादा, जमानत भी तुम्हें देनी पड़ेगी इसकी। जी 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 जी, जानता हूं सरकार इसको सलामा मुख्तारे के चाचे का पुत्र है। जा, पांच मिनट, पांच मिनट से एक मिनट ऊपर नहीं। शुक्रिया। चल जल्दी चल। यस सर। यस सर। ये देखो, मुलाकात के वक्त इसके पास एक कॉमन पिन भी ना हो, अच्छी तरह तलाशी लो, और कोशिश करो इन दोनों के दरमियान कोई भी बात हो हमारा कोई बंदा सुन रहा हो। हुक्म की तामील होगी जनाब।
ये तो फिक्र न कर, मेरा अलसाई जल्द तुझे बाहर निकलवा लेगा यहां से। कब निकालेगा? जब मैं मुक जाऊंगा। 3 दिन से जालिमों ने पलक तक नहीं झपकने दी, अब तो मैं खड़ा खड़ा सोने लगा। मैं देख रहा हूं तेरी हालत, मगर मेरा अलसाई अपने वफादारों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। बड़े शहर से बड़ा वकील करवाया है तेरे लिए, तूने बस हिम्मत रखनी है, टूटना नहीं है तुझे इनके सामने। मेरा साई को मेरा पैगाम पहुंचा, उसे क्या है मुझे भूलना नहीं। तो फिक्र ना कर मुख्तारे, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। तू बस अपनी अगली पेशी का इंतजार कर। बताया भी था, मेरी बात भी हुई थी साहब ने। कब तक आते हैं कुछ कहा? हाँ बताया भी, आते हैं। साहब जी कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, क्या हुआ सर आए? सबर कर, आ जाएंगे, और अभी ध्यान अंदर की तरफ रखा है। भाई मुझसे तो सबर नहीं हो रहा, ये मौलवी निकाह पढ़ाने में इतनी देर क्यों लगा रहा है? वो सारे अपने बड़े साहब का इंतजार कर रहे हैं, पर इतना बड़ा अफसर भला एक सिपाही के निकाह में क्यों आने लगा, पागल है सारे। क्या हाल है? सलाम साहब जी। अरे ये तो कमाल हो गया, आ गया इनका अफसर, पर ये तो खुद अभी लड़का सा है। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मुझ जैसे नाचीज की शादी में आप तशरीफ लाएंगे। बहुत मुबारक हो गफार, ते प्यार से बुलाया था, क्यों नहीं आना था? ये लो तुम्हारे लिए तोहफा। साहब जी तोहफे की क्या जरूरत थी, आप मेरी शादी में तशरीफ लाए, मेरी तो जैसे इलाके में गर्दन ऊंची हो गई। कोई बात, एक तोहफा और भी है। और तोहफा? आदत दिलेड़ी खसन दीदा मैं कनू दूर रहन दी, एक आदत दिलेड़ी खसन दीदा मैं कनू दूर रहन दी, त्रिजा रित सिखा है दुसन दी, ओ मुकर मथे मथे, त्रिजा रित सिखा है दुसन दी, ओ मुकर मथे मथे।
चलो रात बहुत हो चुकी है, मैं भी निकलता हूँ। तुम लोग भी अब घर को निकलो, सुबह ड्यूटी पर टाइम पर पहुँचना। ड्यूटी में कोई नरमी नहीं। हाँ सर, ये बात हमें अच्छी तरह से मालूम है। साहब, मैं और असगर साहब आपके साथ चलते हैं रेस्ट हाउस तक, हम वहाँ से वापस आ जाएंगे। रात बहुत हो चुकी है और आपने अपने गार्ड्स को भी वापस भेज दिया है, आगे इलाका वीरान है। कोई बात नहीं कुंदन, फिक्र मत करो, मैं अपने ठिकाने पर पहुंच जाऊंगा। और वैसे भी जब इलाके के मुहाफिज को मुहाफिज की ज़रूरत पड़ जाए तो समझ लेना उस इलाके की आम आवाम भी महफूज नहीं है। राइट, खुदा हाफिज, सी यू टुमारो। शुक्रिया सर। चले। सनी, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? मैं बड़े साई नूर बीबी के लिए एक दूध का गिलास रखने आई थी। नूरी ने लाने को कहा था? जी साई। तू भी बहुत हो गई है ज़ैनिया। ऐसा कर, आज ये दूध तू पी ले। मैं? हाँ, मसला है कोई? ना सही, मसला कोई क्या नहीं। तो फिर उठा गिलास। अच्छा सईदा, अल्लाह बेली। मैं तो कहती हूँ रुक जाती बाजी। सावन भाई साथ वाले गांव तक गए हैं, आते तो मैं उसे कहती आपको छोड़ आता। नहीं कोई बात नहीं, दो गली भी चाहिए तो मेरा घर है, मैं आराम से चली जाऊंगी। तुम बस अम्मा का ख्याल रखना, फरीदा की रुखसती के बाद निढाल पड़ी हैं। तुम फरीदा की छोटी बहन हो, तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। फरीदा तो अपने घर की हो गई ना अब। लाडली भी तो बहुत है ना वो अम्मा की। अच्छा ठीक है बाजी, आती रहना, कहीं ये ना हो कि अपनी सहेली की रुखसती के बाद आप हमारे घर का रास्ता ही भूल जाओ। ऐसा नहीं होगा, मैं आऊंगी, ख्याल रखना अपना। जी बाजी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। इलाशिता, ज़ैनिया तू यहाँ क्या कर रही है? निकी सर, मैं ये बस। ज़ैनिया को आजकल तुम्हारी सेहत की बहुत फिक्र है, ये खास तौर पे तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाई है। दूध? मगर निकी सर, मैं ये बस। ये तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? लगता है नूरी से ज्यादा तुम्हें जरूरत है इस दूध की। साईं आप ये क्या? तुम बीच में मत बोलो। और तुम
अगर तुमने फौरन ये दूध का गिलास ना पिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूध पियो। सब इंस्पेक्टर असगर, तुम ससी हो ना? मैं वो... क्या बात है, इतना घबराई हुई क्यों? बताओ बहन, किससे डरकर भाग रही? मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। डरो नहीं, हमारे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चलो हम तुम्हें तुम्हारे दरवाजे तक छोड़ आते हैं। जहरी है।